मऊगंज जिले की 8 विधानसभा में नामांकन के अंतिम दिन 30 अक्टूबर को 137 अभ्यर्थियों ने 176 फॉर्म भरे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ मुख्य खबरों से। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 की तस्वीर साफ हो गई है, जहां रीवा मऊगंज जिले की 8 विधानसभा में नामांकन के अंतिम दिन 30 अक्टूबर को 137 अभ्यर्थियों ने 176 फॉर्म भरे हैं। रीवा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा पाल ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 75 गुड़विस में सबसे ज्यादा 27 फॉर्म तो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 71 मऊगंज से सबसे कम 18 नामांकन दाखिल हुए हैं। रीवा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी प्रतिभा पाल ने 15 आदतन अपराधियों को जिला बदर कर दिया है। यहां एमपी विधानसभा चुनाव के समय कानून व्यवस्था बनाए रखने, आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखकर सख्त कार्रवाई की गई है। कलेक्टर ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 खा के तहत 1 वर्ष के लिए जिला बदर के आदेश दिए हैं। मोगन जिले के नईगढ़ी थाना अंतर्गत बहुती जलप्रपात में पिकनिक मनाने गए दो पर्यटक रात में रास्ता भटककर फंस गए। रविवार की देर रात तक बाहर नहीं निकलने पर परिजनों समेत पुलिस को सूचना दी। घने जंगल में दो युवकों को मार्ग नहीं मिलने की जानकारी पर नईगढ़ी पुलिस हरकत में आई। सोमवार की सुबह 5:30 बजे उजाला होते ही पुलिस टीम रास्ता खोलकर घाट से ऊपर आई। सतना के हेड पोस्ट ऑफिस में घुसकर एक बदमाश ने रुपयों से भरा बैग लेकर रफू चक्कर हो गया। सिटी कोतवाली से कुछ ही कदम की दूरी पर स्थित पोस्ट ऑफिस में इस वारदात से हड़कंप मच गया। बैग उड़ाने वाला बदमाश पोस्ट ऑफिस के सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हुआ है, जिसके फुटेज के आधार पर पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी है। सतना वन मंडल के मझगवा वन परिक्षेत्र में टाइगर का शिकार बिजली का करंट लगाकर किया गया था और फिर शव को दूसरी जगह ले जाकर घास फूस में छिपा दिया गया था। वन अमले ने टाइगर के शिकार के मामले में महिला समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उज्जैन में सोमवार शाम नर्मदा एक्सप्रेस में 15 दिन की बच्ची ट्रेन की सीट पर लावारिस मिली। बच्ची को उज्जैन स्टेशन पर एक महिला ट्रेन में छोड़कर चली गई। महिला अन्य यात्रियों को टॉयलेट जाने का कहकर गई। ट्रेन चलने से पहले उज्जैन स्टेशन पर उतर गई। घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें महिला ट्रेन से उतरने के बाद भागती हुई नजर आ रही है। देश के अन्य उच्च न्यायालयों से स्थानांतरित होकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट आ रहे 3 न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण समारोह 1 नवंबर को आयोजित होगा। हाई कोर्ट में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में 3 जज शपथ लेंगे। जानकारी के अनुसार पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से आ रहे जस्टिस राजमोहन सिंह, इलाहाबाद हाई कोर्ट से आ रहे जस्टिस राजेंद्र कुमार चतुर्थ और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से आ रहे जस्टिस दुपल्ला वेंकट रमन शपथ लेने जा रहे हैं। इन तीनों जज को मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ तीनों को शपथ ग्रहण कराएंगे। जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने मंगलवार की दोपहर मध्य प्रदेश शासन खनिज साधन विभाग के क्षेत्रीय प्रमुख कार्यालय में रिश्वत लेते हुए होमगार्ड सैनिक और प्राइवेट ड्राइवर असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट ऑफिसर आईपीएस भदौरिया के पास पदस्थ हैं। दोनों ने मिलकर एक व्यक्ति से उसकी रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़वाने और पेनल्टी काम करवाने के लिए 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। भाजपा सांसद और प्रसिद्ध भोजपुरी अभिनेता गायक मनोज तिवारी ने कांग्रेस की तुलना हमास से कर दी है। उन्होंने कांग्रेस को आतंकवादियों का सपोर्टर बताया। मनोज तिवारी ने तंज कसते हुए कहा, मध्य प्रदेश में हम जहां लाडली बहनों का ख्याल रखते हैं, वहीं कांग्रेस को सिर्फ एक लाडले का ख्याल होता है। नेताओं के फोन हैकिंग दावे पर केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्र सरकार इस मुद्दे को लेकर काफी गंभीर है, हमने इस जांच के आदेश दिए हैं। एप्पल के पास इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने एक संदेह के आधार पर यह मेल भेजा है, जबकि एप्पल खुद क्लेम करता है और उसको कोई हैक नहीं कर सकता। एप्पल ने आरोपों से खुद इनकार भी किया है। इस मामले में सर्टेन ग्लोबल कोलैबोरेशन कंपनी और कानूनी जांच एजेंसी जांच करेगी। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज़।